नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। आज बेहद ही खास शख्सियत प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ में डॉक्टर सोहन चौधरी मौजूद हैं, जो मारवाड़ एजुकेशन ग्रुप हॉस्पिटल के एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और साथ ही साथ वहां पर अपनी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। तो इसी को लेकर के वह ग्रुप से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन आम जनता की सेवा के पीछे उनका क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है और साथ ही इन्होंने अभी तक क्या कुछ सेवाएं प्रदान करी हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर सोहन मौजूद हैं। तो आपका स्वागत है स्टूडियो के अंदर। आपने अभी कोरोना का टाइम चल रहा था हाल ही के अंदर, उस कोरोना के समय में बेहद ही समस्या पूरे राजस्थान ही नहीं देश के अंदर देखने को मिल रही थी, तो ऐसे समय में मारवाड़ की तरफ से आखिरकार आप लोगों ने क्या कुछ कदम उठाए, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा। थैंक यू। पूरे कोरोना काल में मारवाड़ हॉस्पिटल की सातों ब्रांच पूरे टाइम 24 घंटे अपनी सेवाएं दी हैं और जितनी भी ऑक्सीजन और जो भी उन मरीजों को सुविधाएं चाहिए थी वो सारी सुविधाएं 24 घंटे पूरी दी गई। बिल्कुल, आपने 24 घंटे तक सुविधाएं प्रदान की हैं, लेकिन यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर मरीजों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि मरीज लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब कुछ ना कुछ राइट टू हेल्थ का बिल जो आया है उससे आपके अस्पताल में भी कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ा? नहीं, राइट टू हेल्थ जो नियम आया उसके तहत हॉस्पिटल्स में हमारे वाले में इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा कि हम लोगों की जो सुविधाएँ हैं पहले ही इतनी रीजनेबल है और 24 घंटे सभी तरह की सुविधाएं लागू हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि उससे कोई हमें किसी भी तरह का फर्क पड़ा हो। कहा जाता है कि होम्योपैथी जो डॉक्टर होते हैं वह डिलीवरी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आप सभी को बताना चाहें कि इन्हीं की धर्मपत्नी हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, लेकिन वह डिलीवरी भी करती हैं और डिलीवरी सामान्य डिलीवरी और एक डिलीवरी नहीं, यहाँ पर कई डिलीवरियाँ उनके द्वारा देखने को मिली है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? हाँ, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर विनीता चौधरी, उन्होंने अभी तक पिछले 23 साल में 21,000 से ऊपर नॉर्मल डिलीवरीज करवाई हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, 21,000, क्योंकि अदर फील्ड से और आप एक डिलीवरी होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए ये अपने आप में एक गर्व की बात है। बिल्कुल, बहुत गर्व की बात है, लेकिन अभी देखा जाए तो आप लोग बता रहे हैं कि गर्व की बात तो है ही, लेकिन अस्पतालों के अंदर देखा जाए तो ये जो अभी सुविधाएं हैं वह सुविधाएं तमाम प्रकार की अभी नहीं मिल पाती हैं मरीजों को। अभी सवाल ये भी है कि आपके द्वारा ब्लड कैंप लगाए जाते हैं और लगभग 500 से ज़्यादा ब्लड कैंप की उपलब्धि इन्होंने हासिल भी कर रखी है, तो आपको इस संदर्भ में क्या कुछ कहना है कि इतना भारी मात्रा में आप लोग ब्लड कैंप कराते हैं, ब्लड इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद में वह ब्लड कहाँ जाता है, क्या कुछ उसका प्रोसेस रहता है, इस बारे में बताइए। अभी तक मैं खुद 53 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं जी, और ये जो कैंप लगाए हैं ये साल दर साल बढ़ाते हुए क्रम में लगाए हैं। आज नागौर जिला और नागौर जिला के भी जो डीडवाना क्षेत्र है, कुचामन है, इस क्षेत्र में ब्लड डोनेशन के प्रति इतनी जागृति फैली हुई है कि पिछले सालों में जहाँ लोग ब्लड देने से कतराते थे, आज वहाँ पर बच्चे जो भी आज 18 साल से ऊपर है वो बच्चे साल में 3-3 बार 4-4 बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और उसकी जो जन जागृति फैली है उसका यह है कि आज डीडवाना अपने आप में राजस्थान में सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन करने वाला और कैंप लगाने वाला एरिया बना हुआ है। आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, तो ब्लड डोनेशन के लिए जो जो लोग वहाँ पर आते हैं उनका टेस्ट किया जाता है, सब कुछ चीज़ें जाँचें की जाती हैं, उसके बाद ही उनका ब्लड लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग उसमें भी लापरवाही बरतते हैं, तो आप उनको क्या कुछ संदेश देंगे? नहीं, उसके लिए मैं यही संदेश दूंगा कि जो गवर्नमेंट की ब्लड बैंक्स हैं उनसे और जो पुरानी ऑथराइज ब्लड बैंक्स हैं उनको बुलाया जाए, और जो भी पैरामीटर्स ब्लड बैंक की जो सोसाइटी है उसने, राजस्थान स्टेट ब्लड बैंक सोसाइटी ने अपने नॉर्म्स बना रखे हैं, उन नॉर्म्स के तहत ही कैंप्स लगने चाहिए और उनमें सारे तरह की जाँच होके उसके बाद में जो ब्लड दे सकता है उन्हीं के ब्लड लेने चाहिए, ऐसे आडे कट वाला वर्किंग नहीं रखना चाहिए। तो ये तो था हमारे साथ में इनका कहना कि आखिरकार कैसे ब्लड डोनेशन कैंप में मदद की जा सकती है और क्या कुछ आप वहाँ पे जाने से पहले करें। तो हाल फिलहाल इस खास सक्सेस प्रोग्राम के अंदर इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।